नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में उद्योग लगाने का जो भी सपना लोग देख रहे हैं वो अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है, उद्योग की कमी है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार एक एक कर इन सभी कमियों को, इन सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। कोरोना के कारण इकोनॉमी का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने की सरकार सोच रही है। लेकिन अब उद्योग लगाने में ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी, आपको ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है और ऐसे प्रावधान लाने की सोच रही है। राज्य सरकार नए साल में उद्योग क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती है। उद्योग लगाने में लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें कई तरह के लाइसेंस लेने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए लाइसेंस हॉलिडे पर मंथन चल रहा है, यानी दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को कोरोना संकट से उबारने के लिए किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव कर चुकी है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद काफी समय से चल रही है, मगर कोरोना ने इस प्रक्रिया में ब्रेक लगा दिया। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी बिहार लौट आए थे, उनके लिए भी रोजगार का संकट था। लॉकडाउन में राज्य में भी औद्योगिक गतिविधियों में खासा गतिरोध आया था। इसके मद्देनजर सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव किए। विशेष रूप से कोविड चैप्टर जोड़ा गया है। कोरोना काल में राज्य में नया उद्योग लगाने या दूसरे राज्यों से अपनी औद्योगिक इकाई बिहार में शिफ्ट करने पर विशेष पैकेज देने की व्यवस्था नीति में की गई है। अब नई इंडस्ट्री लगाने पर लाइसेंस और एनओसी के झमेले से राहत देने की कवायद हो रही है। असल में इन अनुमतियों को लेने में न केवल उद्यमियों को विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि काफ़ी समय भी लगता है। हालांकि इस बीच विभाग में नए अपर मुख्य सचिव आ गए हैं, वे तमाम विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो जो भी एनओसी और अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, वो अब लेना ज़रूरी नहीं होगा। केवल जो ज़रूरी दस्तावेज़ है या ज़रूरी लाइसेंस है वो लेने की ज़रूरत जो है वो उद्योग लगाने के लिए पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लाइसेंस हॉलीडे पर सरकार विचार कर रही है, नए साल में इसका फैसला आ सकता है, यानी कि अगले महीने से ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं और बिहार में इंडस्ट्रीज़ लगाने की जो कवायद है वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ, जितने भी मजदूर जो बाहर के प्रदेशों में काम करते थे वो वापस अपने घर बिहार को लौट आए, इन्हें भी रोज़गार मिलेगा, साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।